आज मैं आपके साथ एकदम सिंपल और हेल्दी दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये दाल जो है काफी लोग खाना नहीं पसंद करते, तो इसलिए आपके साथ एक सिंपल सा मेथड लेके आई हूँ दाल का, जिससे आपकी दाल काफी खाने में टेस्टी बनेगी और सारे आपकी तारीफ ही करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कप मूंग दाल और एक कप मसूर की दाल ली है। अगर आप मसूर की दाल खाना नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो है टेस्ट काफी अच्छा आता है दाल का। तो इस दाल को मैंने अच्छे से साफ करके इसे वॉश कर लेना है आप लोगों ने, 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसमें काफी धूल मिट्टी और केमिकल लगे होते हैं दाल को, तो इसलिए मैंने जो है वॉश करके इसे सीधा कुकर में डाला है। आपको प्रेशर कुकर में दाल बनानी है, इससे काफी जल्दी भी बन जाती है और काफी टेस्टी भी बनती है। और इसमें मैंने 2 कप दाल थी, तो इसमें 4 कप मैंने पानी डाला है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अब जो है पानी घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक, हल्दी और 1 चम्मच देसी घी डालकर इसको जो है कुकर को बंद कर दिया है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि इसको सिर्फ एक ही विसल लगवानी है दाल को, एक विसल में आपकी दाल जो है काफ़ी अच्छी बन जाएगी। अगर आपने 2 विसल लगवा दी तो आपकी ये दाल जो है कड़ी की फॉर्म में आ जाएगी, तो इसलिए आपको सिर्फ 1 विसल लगवानी है। अब हम लगाते हैं इसका तड़का। इस दाल का टेस्ट जो है देसी घी में काफ़ी अच्छा आता है, तो इसलिए आपको इसको देसी घी में ही पकाना है। इसमें 1 चम्मच जीरा और 2 से 3 जो है सूखी लाल मिर्च और अदरक लहसुन डाल के इसे अच्छे से जो है सॉटे कर लेना है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन जब कलर आ जाए तो इसमें आपने जो है 1 कटोरी प्याज जो है बारीक चॉप की हुई इसमें डाल देनी है। और जब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाएंगे तो तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची भी मैंने चॉप करके डाली है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर कम तीखा या कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे मिर्ची को ऐड या कम कर सकते हैं। अब मैंने इसमें मीडियम साइज़ का प्याज डाला है बारीक बारीक चॉप करके, और कलर के लिए इसमें मैंने डाली है देगी मिर्च पाउडर। हमें इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटो जो है सॉफ्ट ना हो जाए। तो हमारा तड़का तैयार है, इसमें मैंने दाल जो है डाल दी है। दाल देखने में थोड़ी सी थिक लग रही है, तो इसमें मैं जो है थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो गर्म पानी डालकर इसमें जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है, और हमारी जो है दाल एकदम तैयार है। इसे गार्निश करें हरे धनिए के साथ और गर्म मसाले के साथ जो है इसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। और सर्व करने से पहले थोड़ा सा एक तड़का जरूर लगाना है इसमें देसी घी और जीरे का। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।